ये क्या यार, कैसे कट कर दिया? ए, अपनी बेटी नजर नहीं आ रही है। मैसूर से चेन्नई जाने वाली ट्रेन जिसमें बैंक का 625 करोड़ रुपया था, जिसे किसी ने लूट लिया। उसने चलती ट्रेन में ही बोगी की छत को ऊपर से काट कर लूट लिया। इस घटना की वजह से बैंक के अधिकारियों और पब्लिक के बीच बहुत ही हंगामा मच गया। नहीं, जल्दी इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी ये पता नहीं। और एक खास बात है, RBI के सिवा कोई भी डायरेक्ट उन पैसों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उन पैसों को बैंक के थ्रू ही पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यहाँ से जो पैसे चोरी हुए हैं वो दरअसल मैसूर डिवीजन में छपे हुए नए नोट हैं। RBI के पैसे चोरी करना ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। डेफिनेटली हम लोग कोई लीगल एक्शन लेंगे। Hey, जगन, किसी परेशानी में फंस गया क्या? मेरी परेशानी को छोड़, तू जो काम करता है ना उसमें तू फंसता है। कितनी बार मना किया कि ऐसे रिस्क वाला काम मत कर, मुझे मरवा के ही मानेगा क्या? जा। हेलो सर। मिस्टर माणिकवासन, कहाँ हो तुम? बहुत बिजी हो क्या? बात कर सकते हो? नहीं सर, बोलिए ना सर। आपका रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर रखा है, उसे फॉरवर्ड किए बगैर मैंने उसे पेंडिंग में रखा है। सर, जान सकता हूँ क्यों? आपको एक मेजर ऑपरेशन में जाना है। उसे पूरा करने के बाद ही मैं आपके लेटर के बारे में सोचूंगा, ये मैंने तय किया। सर, वो बिना माँ का बच्चा बहुत परेशान है सर। अभी मैंने उसे बहुत समझाया हुआ, इसलिए इस केस को खत्म करिए फिर जाइए। आप अपने बच्चे को मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं उसे अपनी पोती के जैसे संभाल कर रखूंगा। सर, आई होप यू लिसन टू मी। ओके सर, आई विल गिव यू। ये आ गया, अब किसे पानी पिलाएगा पता नहीं। एक गर्मा गर्म चाय बना देना। गर्मा गर्म चाय चाहिए? ए, पहले हाथ हटा। क्यों यार? क्यों यार? ए, चाय भी इतने घमंड से मांग रहा है तू? अभी तक तूने 200 रुपए की बिस्किट खाई है, 250 रुपए की चाय पी है, पहले ये सारे पैसे चुका, फिर कल का बड़ा खाना। 100 बिस्किट डॉगी को, 105 चाय कूला करके फेंका होगा, उसका भी दे दूं? ए, ये सब तूने अपने फ्रेंड के लिए किया, पहले पुराना उधार चुका। ठीक है, मैं एक बड़ा उठा लेता हूं। ए, पहले सामने उस फोटो की तरफ देख, पहले वो ईमानदार महापुरुष के फोटो पर हाथ लगा। उठाने के लिए इनके ऊपर हाथ रखना जरूरी है? तो फिर आधार कार्ड निकाल। अब एक बड़े के लिए आधार कार्ड मांगेगा? क्यों, मेरे पास नहीं दिखा सकता? वो लोग मांगते हैं तो तुरंत ही दिखा देता है। ये कौन है? ओ, बंद कर रे काले भालू, ये नकली नोट है। ये ले तेरे खाए हुए वड़ा का पैसा, आगे से अपना गंदा मुंह बंद रखना। तेरा सारा हिसाब चुकता कर दिया, स्पेशल चाय बना, पीने के बाद मजा आना चाहिए। मैदे का बिस्किट है ये, बढ़िया बिस्किट है। करके दिखा, तू किसके पास चला आता है यार? ये एक पैसा उधार नहीं करता है, किसी अच्छी दुकान में चल, मैं तुझे लेके चलता हूँ। 2 दिन के बाद तो पगार मिलेगा ही, तब तक ये चुप नहीं रह सकता क्या? ए, इतनी जल्दी क्या है तुझे? किसी फिल्मी हीरोइन का बॉय बनना है क्या तुझे? मेरी बात सुन जगन, बिना मतलब के मालिक को इस बात में मत घसीट, 3 महीने से तुम्हारे सर में जू नहीं रहेंगे। ए, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम अच्छी बातें तो क्या कर। वाह, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करेगा? तहलका मचा हुआ है, वो ट्रेन की लूटपाट की घटना। उन लुटेरों को पकड़ने के लिए CBCID DSP मानिक वासवान के साथ एक टीम बनाई गई है। ये बात उन्होंने हमारे रिपोर्टर को बताई है। उस लूट में शामिल लोगों का वो जल्द से जल्द पता लगाएंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया है। लेकिन ऑपोजिशन बहुत ही प्रेशर दे रहे हैं, अब देखते हैं केस का क्या हुआ। जरा चल बैठ। ए, इधर आ, ये चाय ले जाकर उनको दे दे। ले जा रहे भाई, ये लो चाय। मैं जब से पुलिस के काम में लगा हूँ ना, तब से देख रहा हूँ वो बहुत खतरनाक है। तू अपनी हाथ की सफाई के वक्त उससे होशियार रहना, समझ गया? मुझे पता था तू क्या। पैसा तो बराबर लेता है ना। अच्छा, तो ये कोई चाय है क्या? अभी तक चाय भी बनाना नहीं आता। क्यों, 4 आदमी पीकर गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई?
इन लोगों ने भी तो वही चाय पी है। ए तू पी जा, चल पी ले, नाटक मत कर, चाय पीते हैं, नाटक करते हैं। ये ऐसे मुंह लटका के क्यों चला गया? इतना इम्पोर्टेंट काम बताया, सुना ही नहीं। सर। यस, आइए मिस्टर माणिक पासवान। क्या कॉलेज के स्टूडेंट के जैसा आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है? डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन लेटर एक्सेप्ट करेगा ऐसा सोच रहे हैं क्या? सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। एक जरूरी मीटिंग चल रही है, अंदर किसी को मत भेजना। लेटेस्ट में एक ट्रेन रॉबरी के बारे में आपने सुना होगा। यस सर। अब तक उस केस को आरपीएफ हैंडल कर रहा था, अब हमारे पास आया है। एंड यू आर गोइंग टू हैंडल दिस केस। श्योर सर। एंड यू नो, मीडिया वाले वॉच कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके इस केस को हमें क्लोज करना है सीक्रेटली। गॉट इट। ओके, नाउ यू मे गो। यस सर, आई विल टेक लीव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। खूबसूरत लग रही हो। हे, यू वांट मोर स्पीड? हाँ।
ड्राइवर का काम करने के लिए रखा है तो ड्राइवर का ही काम करने का। जमालुद्दीन का दिया हुआ हवाले के पैसे को यहाँ दिया वहाँ दिया ऐसा करके उन जानवरों को तुमने क्यों दिया बे? तेरे इतने हिम्मत बोल बे। पापा क्या है? मलिक फोन पे है पापा। क्यों सिटी के बॉर्डर तक आ गए हो क्या? पापा वो आते समय रास्ते में एक हमेशा हो रहा है। कहाँ कौन सा एरिया? किलम बकुर से वर्तूर के रास्ते। तुझे पैदा किया उसी वक्त तुझे मार देना चाहिए था। डाल बे से। उस दिन ड्यूटी में जो भी थे मुझे उन सबसे मिलना है। ओके सर। उस दिन रेलवे स्टेशन से सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन कहीं और रोकी थी क्या? नहीं सर, मैंने गाड़ी कहीं नहीं रोकी थी, सिर्फ स्टेशन पर ही रोकी थी। ट्रेन यहाँ पहुँचने के बाद पार्सल वैगन किसने ओपन किया था? मैंने सर। जब आपने खोला तो उससे पहले किसी और ने ओपन करने की कोशिश की थी क्या? ऐसा कोई सबूत मिला है? नहीं सर, लॉक वैसे एकदम सही था, लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की सर। पैसा लाने वाला वो आरबीआई का बॉक्स कहीं मिला क्या? नहीं सर, मैसूर से पैसा लेकर आने वाला उस ट्रेन की बोगी को काटना इतना संभव नहीं है सर। सेलम से वेरदा जलम के बीच ये पॉसिबल है सर। सो अपना एस्कॉर्ट इनिशियल इंक्वायरी के लिए गए हैं सर। पैसों की पेटी के साथ जो दूसरे पार्सल आए थे वो सब कहाँ हैं? वो तो हमने डिलीवर कर दिए सर। डिलीवरी कर दिया? हाँ सर। लोडिंग करते वक्त उस पार्सल में क्या था? आखिरी वक्त वो सारे पार्सल किस कंडीशन में थे? उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं? उसके सीएसएस की रिपोर्ट है क्या? नहीं है सर। एक क्रिमिनल की सारी जानकारी हर क्लोज ऑब्जेक्ट राज्य के आधार पर अपनी कस्टडी में होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीट क्रॉस सेक्शन अपने पास होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आकर हिम्मत के साथ चोरी करते हैं। बेवकूफ, कैसे करोगे पता नहीं, लेकिन जिनके पास पार्सल गया है वो सारे लोग अगली इंक्वायरी में मेरे सामने होने चाहिए। समझे कि नहीं? नहीं तो भारी पड़ेगा, होशियार रहना। अपने बेटे के बारे में तो आप जानते ही हो ना, फिर क्यों ऐसा काम उसके हाथ में देते हो? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये कब काम सीखेगा? ऐसे छोटे छोटे अमाउंट का काम देता हूँ तो भी ये गधे जैसा बेवकूफ बन के आ गया। मेरे काम पे भरोसा होना चाहिए, उस भरोसे से ही मैं आज इतना बड़ा आदमी बना। वो भरोसा मेरा हिम्मत मेरा काम देख कर ही। मेरे बिजनेस को कोई खत्म करने के बारे में सोच रहा है। मेरे पैसों पर हाथ लगाने वाले चोर के औलाद को ढूंढ कर मैं उसे रोड पर मारूंगा। कांति साहब, आपके भरोसे पर ही मैं यहाँ आया हूँ। दिया, कम इन। दिया, दिस इज मिस्टर जमालुद्दीन और ये इनका बेटा मलिक। ये मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। कोई भी परेशानी हो तो ये मेरे पास ही आते हैं। अभी एक मेजर इशू है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी भाई। अब इस केस को यही हैंडल करेंगे, मिस दिया। कांति साहब, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब ये लड़की पैदा भी नहीं हुई होगी। इसके पास आप मेरा काम दे रहे हैं, इसे काम सिखाने के चक्कर में मेरी जिंदगी के साथ मत खेलिए। मैं जितना खुद पर भरोसा नहीं करता उतना इस पर भरोसा करता हूँ। आज हमारी इस एजेंसी को नंबर वन एजेंसी बनाने में इन्हीं का हाथ है। देखो भाई, इस केस के खत्म होने के बाद ही आपको इसकी इंटेलिजेंस के बारे में पता चलेगा। ओके मैडम, यू कैरी ऑन। यस सर। चलती हुई ट्रेन से लगभग 20 मीटर की दूरी पर पेटी को फेंका गया है। मतलब पेटी हल्की थी और तो और पेटी चिपकी हुई भी दिख रही थी। इससे तो यही लग रहा है पैसा निकालने के बाद एम्प्टी बॉक्स फेंका गया होगा। हाँ सर। तो लूटने वाला पैसा अपने पास रखकर चेन्नई लाया होगा, और अगर साथ नहीं लाया होगा तो चेन्नई से आने वाले पार्सल में रखा होगा, और उसके बाद जब पार्सल चेन्नई पहुंचा होगा तो उसने कलेक्ट कर लिया होगा। यही दो चांस हो सकते हैं। उस कोच से आने वाले सारे पार्सल की डिटेल्स और जो जो लेके गया उसका एड्रेस निकालो, ठीक है? ओके सर, समझ गया सर। आपके निकलने का टाइम और जहाँ लूट हुआ वो एरिया, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन एक चलती कार में डिक्की खोलकर वो पैसे निकालकर भाग गया, ये विश्वास करने लायक नहीं है। मैं आपकी कार देखना चाहती हूँ। कार चल रही थी तभी एक डिक्की से साउंड आया, कार में देख ही रहा था तब तक वो बैग उड़ा के लेके गया। हाँ यही पर। कार पर एक भी स्क्रैच नहीं है और चलती कार में ये काम हुआ है। Really a great job. क्या बोला? Great job. हमारा पैसा कोई लूट कर ले गया और हम यहाँ रोड पर खड़े। वो बहुत चालाकी के साथ लेकर गया, तुम उससे ऐसा करें?
उसका काम देखकर मुझे शाबाशी देने का मन किया। कार की डिक्की खोलने के लिए उसने रिमोट का यूज किया होगा और फिर पीएलसी को फ्यूज करने के लिए उसने ये लगाया है, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। इससे जब आपके बेटे के पैसे गए तो उसे तुरंत पता चल गया, वरना चेन्नई में अपने घर पहुंचने के बाद ही पता चलता। टेक्निकली स्ट्रांग होने की वजह से उसने इतनी डिटेलिंग से काम किया और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा है जो आपके बिजनेस को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो किसी और तरीके से प्लान बनाता। मुझे नहीं लगता वो आपके बारे में ज्यादा जानता है, इसलिए उसने जो काम किया उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। लगता है ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, बहुत गुमराह कर रहा है, कोई बड़ा शातिर होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे पकड़ूं, पर हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। अरे दिया, आज तुम इस तरह केस के सिलसिले में। ओके गुड। ओके सर, उस दिन कोच में जो पार्सल आया था उसका एड्रेस चेक कर लिया, सब सही है सर, सिर्फ यही एक बाकी है। फेक एड्रेस। ग्रेट एस्केप सर। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक करो राइट नाउ। यस सर। ज़ूम करो इसे। सीसीटीवी में देखा तुमने उस पार्सल को लिया था और उसे डिलीवर किया था, इससे पहले तुमने ऐसी डिलीवरी कभी की है? नहीं सर। उसका हौलिया बताओ। वो हेलमेट पहनकर पूरा कवर किया हुआ था सर। सर, सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद अक्यूज के फोटो के जरिए उसकी पूरी डिटेल्स और बाइक के नंबर की डिटेल्स भी निकाल ली है। उस कुली को बुला के हमने उससे पूछताछ की। उसका अक्यूज से कोई संबंध नहीं है। अक्यूज किस रास्ते से गया था उसे जरा ट्रैक कीजिए। ओके सर। क्यों, बुक में पैसे ढूंढ रही हो क्या? सर बाहर गए हैं, बताइए क्या काम है? काम तो है ही, तुमने मुझे पहले नहीं देखा है क्या? जिस दिन से केस सौंपा है उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारा मेकअप ही नहीं बदला। पैसा कैसे गए, पैसा किसने लूटा, उसके बारे में कुछ पता लगाया? क्या पढ़ रही हो तुम इसमें? ये इतना आसान काम नहीं है कि कब चोर मिलेगा, कब पैसे मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। मेरे मेकअप पर कमेंट कर रहे हैं आप, ये बताइए कि इस केस से जुड़ी सारी सच्चाई आपने क्यों नहीं बताई थी? जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर जांच शुरू कर रही हूं। वही तो मैं भी तुमसे कह रहा हूं, इतने दिनों से कोई इन्फॉर्मेशन तुमने नहीं दी, क्या कर रहे हो तुम अभी तक? दो दिन का टाइम देता हूं, उसके अंदर तुमने पता लगाया तो ठीक है, तो मैं खुद देख लूंगा। मुझे टाइम देने की बात मत करो। आपके पीछे जो आपका ये बेटा खड़ा है ना, जो ऐसे देख रहा है कि अभी मुझे खा जाएगा, उससे कहिए कि मुझे सारा सच बताए, कोई भी बात छुपाए बिना, या फिर आप उससे इतना भी नहीं कह सकते। ए, सीधे तरीके से बोलकर मरना। मैंने सब कुछ तो बताया। तुम्हारी कार से मिला ये नाखून किसका है? फंस गया। चलो चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी। अबे रास्ते में क्या खाना पका रहा है, चल आगे बढ़ना, आगे बढ़। अरे मार क्यों रहा है? सर, उनर पटे फूल के दुकान के पास ये नकली नोट लेके घूम रहा था सर। देखो, सब सच सच बता देना तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? सर, मैंने कोई गलती नहीं की है सर। कोई परेशानी नहीं है सर। उस आदमी को उसने इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी नाक तोड़ दी। इंस्पेक्टर तुम्हारा फ्रेंड है, इसलिए अब तक तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई है, और उस ड्राइवर के हॉस्पिटल से डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लेके आए। सर, थोड़ा देख लीजिए ना सर, परेशानी ना हो। तुम्हारे दोस्त को क्लियर कर दिया, तो जब इंस्पेक्टर वापस आएंगे तो उनसे कहकर आप इसे ले जा सकते हैं। सच सच बताओ इस नोटों के बारे में। सच कह रहा हूँ सर, इस नोट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उन नारपुट्टे में फूल वाले की दुकान से मिला है मुझे। फूल वाले के पास तेरी क्या डीलिंग है, सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए गहने गिरवी रखकर 5,00,000 रुपए लिए थे सर। पहली बार लड़की की शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकला है, बहुत मुश्किलों से मैं अपनी बेटी की शादी कर पा रहा हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि मैं जो पैसे लेने जा रहा हूँ और मैं फंस जाऊंगा। 50,000 देकर 1,00,000 लिए, फिर 1,00,000 देकर 2,00,000 लिए, आखिर मामला क्या है? सर, ये सब क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता है। फिर सच बताओ सर।
यहाँ क्या लफड़ा हो रहा है? ये डबलिंग केस है सर। कौन सा एरिया है? सर अन्नारपट्टाई फूल मार्केट। अन्नारपट्टाई का फूल मार्केट है? अच्छा है, मेरे मुंह से निकल जाएगा। तो रामनाथन क्या बोला? तो हमें बिना पता चले करोड़ों रुपए की डबलिंग करते बैठता है। उसे पकड़ कर पुलिस स्टेशन में लाके चार्ज लगा के मैटर को खत्म करने को छोड़कर तुम लोग एक बुजुर्ग पर इल्जाम लगा रहे हो और उसे पकड़ लाए। ऐसे काम करोगे क्या पुलिस स्टेशन में? चलो भेजो इनको यहाँ से। चलो चलो जाओ। हाँ बैठो। कौन है वो? वो मेरा क्लोज फ्रेंड है सर। पहले इस आदमी को इस एरिया से बाहर लेकर जाओ। बहुत बड़ा सर दर्द है ये। ड्राइवर और उनके रिश्तेदार अगर सही ढंग से इंक्वायरी नहीं की तो सब लोग उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दोगे क्या? इससे अच्छा है इनको समझाओ। सॉरी फॉर द ट्रबल। हाँ जाओ। हाँ मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ नहीं बात होगी थी उससे, कहाँ आया जवाब ही नहीं है अभी तक। कौन है भाई ये? अपने एरिया में इतनी मस्त हीरोइन जैसी फिगर कहाँ से आ गई यार? ए इधर आ जरा। बोली दीदी क्या बात है, कोई हेल्प चाहिए? यहाँ नविया का घर कहाँ है? नवी? नविया क्या? मैंने भी क्या सोचकर अपना मुंह खोल दिया। दीदी उसकी बात पर ध्यान मत दो, मुझे पता है ना, मैं लेके चलता हूँ। माजी, हाँ? रामानाथन का फूल का दुकान वो दिख रहा है ना बोर्ड, उसके बाजू में है। हाँ। ए, रुको। किसी से बिना पूछे तुम अंदर ऐसे ही घुसे चले जा रहे हो? तो और क्या करूं? ए, किससे मिलने जा रहे हो? हाँ? तुम्हारे मालिक रामानाथन से। सर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया मैंने, अक्यूज्ड एग्मो स्टेशन से पैसा लेकर बुद्धू पट्टाई की तरफ गया है सर। उसके बाद वो बाइक बुद्धू पट्टाई से बाहर नहीं आई सर। मेरे बारे में आपको किसने बताया? पूरे मोहल्ले में बड़ी डिमांड है तेरी। हर किसी को तेरे बारे में पता है। ऐसे ही पहले भी एक लड़की ने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया था, मुझे ढूंढ कर आई थी। ऐसे ही थोड़ी ना कहती हूँ, कितनों को मैं झेल चुकी हूँ। तो यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ दे दो ना। ये ले जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आ, और तुझे कुछ चाहिए वो भी ले लेना। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। ठीक है दीदी, मैं समझ गया, मैं आराम से आऊंगा। अब तू बता उस लड़की के बारे में क्या बोल रही थी? उसकी कहानी छोड़, तू अंदर आ। चल अब बता, क्या ये तेरा फर्स्ट टाइम है? अगर फर्स्ट टाइम है तो उसके हिसाब से कर सकती हूँ। चल बता मुझे, मालिक को तो कितने टाइम से जानती है? और ये बता तेरा और उसका क्या चक्कर है? उसकी कार से चोरी हुई पैसों के बारे में तूने किस किस को बताया? ए, कौन है रितु? चल निकल जा यहाँ से। मालिक के पैसों के बारे में बताने के लिए तूने जितने पैसे लिए थे ना, मैं उससे तीन गुना ज्यादा दूंगी। मुझे उसका नाम बता दे। ए, क्या समझ रही है तू मुझे? मैं लोगों के पास जाकर अपना काम चलाती हूँ, उसके लिए मुझे किसी को लूटने या बहकाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझ गई तू? चोर नहीं हूँ मैं। चल निकल जाओ, नजर मत आना, तेरी औकात से ज्यादा मैं कमा लेती हूँ। ठीक है, तू जो कह रही है उस पर यकीन कर लेती हूँ। तेरा फोन देख सकती हूँ क्या मैं? इतनी देर से समझा रही हूँ तुझे, पर तू यकीन क्यों नहीं कर रही है मुझ पर? मैं किसके साथ घूमती हूँ, किसके साथ रह रही हूँ, तुझे इससे क्या? थैंक्स। वैसे मैंने पहले ये कभी किया नहीं है, मैंने तुझे हर्ट तो नहीं किया ना? अरे बता ना। हॉटी। आदमी नए लग रहे हो, किसने भेजा तुम्हें? राजा। राजा ने? कौन सा राजा?
नहीं बोलूंगा वरना परेशानी होगी। ए, मजाक कर रहे हो? काम होगा क्या, या कोई और जगह ढूंढो। इसमें कितना है? ए, जी भाई बैग को चेक करो। ठीक है भाई। दुनिया में चोरी करने के तरीके बहुत से हैं। ए, कौन है तू? जो हम आज दिन टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कौन से टाइम किसे भेजना चाहिए, दिमाग नहीं है क्या? भाई ये अपना ही लड़का है, कोई परेशानी नहीं होगी। और पुलिस हमेशा सोच पे पड़ जाती है। जब तक पुलिस उन तरीकों का पता लगाती है तब तक उनके सामने एक नया तरीका आ जाता है। थैंक यू भाई। जो उनके लिए सरदर्द बन जाता है और मुजरिम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। असली लेकर जा और नकली लेकर आ। इस तरह से चोर पुलिस की नजरों से बहुत दूर रह के अपना काम आराम से करता है। इंस्पेक्टर से बात करवाओ। सर हाँ, तुम्हारे एरिया में इलीगल डील करने वाला कौन है? कुमार नाम का एक आदमी है सर। कुमार कौन है वो? उन्नार पट्टाई में फूल की दुकान है उसकी, वो बहुत दिनों से डीलिंग करता है सर। उन्नार पट्टाई, जल्दी आओ, उसे पकड़ना है। जिस नव्या को ढूंढने आई थी वो मुझे मिल गई और वो मालिक के साथ ही थी। ये बात तो सही है कि वो उसके साथ ट्रैवल कर रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि उस लूट में इसका कोई भी हाथ है। यस सर। लो दीदी, ये सब उस दीदी को दे दो। ए, छोटे जरा यहाँ। क्या हुआ दीदी? ये नोट कहाँ से मिले तुझे? वो दीदी मार्केट से लेके आया हूँ, वो भाई रामानाथ जी है ना, उन्हीं की दुकान से लेके आया हूँ। मुझे उस फूल की दुकान पर लेकर चलेगा? ठीक है दीदी। ए, अंदर कौन है? चलो देखते हैं, चलो आओ, चलो चलो। ए, सब लोग गोदाम के अंदर चलो। ए, वो देखो जा रहा है, पकड़ो उसे, मारो उसे। के खिलाफ पहले ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग है सर। यही है वो सर। सर क्या हुआ सर? हाँ, तेरे पास तो हार लेने आए हैं ना। सर आप जैसा सोच रहे हो
अब मैं वैसा नहीं रहा सर। इतना बड़ा मैटर करने के लिए बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए सर। हम जो जानते हैं वो स्टेट लेवल में ही है सर। चाहिए तो सर से पूछ लीजिए सर। सर बताइए सर, हमारा कितना केस पेंडिंग है सर? वो केस भी पेंडिंग है क्या? अपनी उम्र देखो और उनकी उम्र देखो, कॉमन सेंस नहीं है क्या? सिंह निकल जाती है, खाकी वर्दी पहन लेते हो तो? अगर इनकी जगह तुम्हारा बाप होता तो ऐसे बुलाते? आइए चाचा जी। बोलिए साहब। यहाँ क्या लफड़ा हो रहा है? थोड़ी देर पहले यहाँ पर कान के पर्दे फट जाए ऐसा जोरदार धमाका हुआ था। लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। उसे छोड़ना नहीं है बे, हमारे लोगों को भेज कर वो कहाँ है पता लगाओ और खाली हाथ मत लौटना। चलो जाओ। क्या हुआ सर? क्या लफड़ा हुआ यहाँ? कोई लफड़ा नहीं है सर, हमारे लड़के पटाखे के साथ खेल रहे थे, उसी की आवाज होगी। थोबड़ा देख के लगता है कि पटाखों के साथ खेल कर आया। सच सच बता क्या हुआ है यहाँ? देखो देखो कितना पैसा निकला है। आप जानते हैं सर? डिटेक्टिव दिया ही है ना? हाँ वही है सर, आपने सही पहचाना। लेकिन वो यहाँ क्या करने आई है? क्या सर, फूल की दुकान में फूल लेने आई होगी ना। जाके गाड़ी निकालने के लिए बोलो। ओके सर। संभल कर जाना, फिसल कर गिर मत जाना दोनों। बारिश में बहुत लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। बहुत अच्छा आदमी है ना वो। ए, कौन है वो? तेरे सगे वाला है क्या? वो मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। अरे तेरी तो रिश्तेदार है, फिर तो तू उसे शादी कर सकता है ना। हाँ बे, भालू जैसे दिखने वाला, वो मुझे पसंद है। वो पहली ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। अरे क्या इतना अच्छा चांस छोड़ दिया? बताता हूँ भाई, 20 साल पहले उसने मुझे ये बात बताई थी। क्या 20 साल पहले? ए, क्या रे तू भी, उसकी माँ के साथ लव करना चाहिए था ना। वो लड़की पोपट जैसी दिखती है और तू हाथी के बच्चे जैसा, गावा कलाएगी तेरे में। तू सही बोल रहा है भाई, मैंने ट्राई की थी, लेकिन अंकल जैसा दिखता हूँ ना। ए भगवान, क्या बताऊँ मैं। ये बेचारा तो बहुत ही कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रही है, उसके हाथ नहीं आने वाली। ए, चाय पिएगा क्या? अरे नहीं बे, सुबह काम पे जाना है। कोई बात नहीं, तू यहीं पे रुक, मैं अभी आता हूँ। देखो यार, स्मगलिंग केस में अपने डिपार्टमेंट के लोग जो स्मगलिंग करते हैं उन लोगों से वो ज्यादा कमाते हैं। ऐसा पेपर में छाप के हमारी बेइज्जती की है, पता नहीं कौन कौन क्रिमिनल्स के साथ जुड़े हैं। लाइट्स ऑन। अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोग इस इलीगल काम में जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी कीमत पर वो लुटेरा इसे अंजाम नहीं दे पाता। सर ऐसी बात है तो इसका क्या रीजन है, इसका पता करें क्या? सर बताता हूँ, अभी हाल ही में हुए बैंक की रॉबरी के बारे में सोचे तो नंबर 1 ट्रेन रॉबरी, उसमें पैसा आ रहा इस बारे में जो जानते थे वो RBI, रेलवे और पुलिस। उसके बाद हवाला का पैसा चोरी हो गया, इंटेलिजेंस से हमें ये न्यूज मिली और ये बात भी RBI, रेलवे और पुलिस ही जानती थी। फाइनली डबलिंग, उसके बारे में भी जानने वाले रिलेटेड कल्प्रिट्स, पुलिस। इन तीनों क्राइम में जो कॉमन है वो है पुलिस। सो ये पक्की बात है कि इसमें जरूर हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी का ही हाथ है। डिपार्टमेंट में लाखों लोग काम करते हैं सर, स्पेसिफिक उनमें से एक आदमी ढूंढना नॉट पॉसिबल सर। थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे तो
पता चल जाएगा। क्यों कुमार, तुम्हें क्या लग रहा है? चोर को पकड़ना हो तो उसके चेहरे को देखकर पकड़ सकता हूँ, ये सोच के मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था। पुलिस स्टेशन में वैसे ही अक्यूज को पकड़ के प्रमोशन लिया है मैंने सर। सो डेली अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक राउंड मारोगे तो आप उसे पकड़ लेंगे, यही कहना चाहते हैं? पक्का सर। लूटा गया है चेन्नई में, और वो पैसा भी चेन्नई का था। सो पूरे तमिलनाडु के सारे स्टाफ को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस केस में क्राइम मनी डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, मनी के बारे में जानने वाले उन लोगों पे ही शक हो रहा है। और इसके अलावा चेन्नई सर्कल में जितने भी सब डिवीजन आते हैं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा एक अलर्ट मैसेज भेजिए, हम सब मिलके उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। मैम, कुरियर फॉर दिया दीजिए, मैं उसकी माँ हूँ। नहीं, उनका ही साइन चाहिए, ये ऑफिस का रूल है। ओह ठीक है, एक मिनट रुको। दिया, तेरा कुरियर आया है, देख। मैं उन्हें भेज चुकी हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे अगले 24 घंटे में प्रूफ चाहिए, समझ गए ना तुम? बॉस कॉन्फ्रेंस रूम से सुन रहे हैं, तेरी मत करो, बाकी का केस बाद में देख लेंगे, मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, जल्दी करो। ठीक है, क्या है? कुरियर। हाँ हाँ सुन रही हूँ। ओके, सो जो बैग चुराया गया उसमें मालिक का नाम उर्दू में लिखा हुआ था, और फिर मैंने फूल की दुकान के पास उसी बैग को देख। बिना कपड़े पहने बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। ए, कहां जा रही है? रुक, कहां गया वो? बच गया। ए, निकल गया। ए, इडियट, कहां भागी जा रही है? अभी दिमाग खराब है, हाथ से निकल गया वो। छोड़ो, चल अंदर चल। कहां जा रही है तू? मैं भी बेवकूफ हूँ, चल अंदर चल। देख बेटा, अभी तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? अब ऐसा क्या हो गया जो तू इस तरह चिल्ला रही है? अभी अभी एक लड़का आया था ना, मैं उसे इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ मम्मा, और आज वो मेरे घर तक आ गया। इतना अच्छा मौका था, मैंने मिस कर दिया। मिस करने वाली तू है तो उसे क्यों भला बुरा कह रही है? हाथ में कुरियर वाले का एड्रेस है ना, तो जाकर कुरियर के ऑफिस में पूछना। ए, यहाँ कुरियर का काम होता है दूसरा कुछ? दूसरा कुछ क्या, मैं समझा नहीं बेटी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों इतनी उबल कर बात कर रही हो? बैठ कर कूल होकर बात करो। कैसे कूल हो जाऊं मैं? इट वॉज एन एक्सप्रेस डिलीवरी, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल। अंदर क्या है क्या नहीं है खोलकर देखा है आपने? आई एम गोइंग टू सू यू। देखो बेटी, इसे खोलकर देखने का मुझे टाइम भी नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अगर आपने नहीं देखा तो उस डिलीवरी बॉय ने देखा होगा। हमारे लड़के ऐसा नहीं करते बेटी। आपके डिलीवरी बॉय से मुझे अभी के अभी मिलना है। अरे रे, बैठिए मैडम। कौन सा एरिया है आपका? शांति नगर। शांति नगर, ओ अपना शक्ति। ए, पहले उसे फोन करके जल्दी से ऑफिस में आने के लिए बोलो, डिलीवरी की बात में देखेंगे। चोर के बच्चे को काम पर लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। आप बिना मतलब की बात मत करो, पहले शांत हो जाओ। ये कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, कौन चोर है कौन नहीं है ये देखने के लिए। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, समझ गई? वो जरूर टेक्निकली स्ट्रांग होगा, तभी इतनी डिटेलिंग से काम किया है। क्यों, उसने इंजीनियरिंग की है तो मैं उससे बात नहीं कर सकती? चेन्नई में चेन स्नैचिंग करने वाले पढ़े लिखे लड़के ही होते हैं। आप उसका नंबर दीजिए, मैं खुद उसे फोन कर लूंगी। उसका फोन नंबर नहीं दे सकता, अपना एड्रेस दे दो, उसके आते ही आपके घर पर भेज दूंगा। मेरे घर कोई नहीं आना चाहिए, मैं खुद ही आऊंगी। अरे बाप रे, थोड़ा ढीला होता तो मार के चली जाती मुझे। बस कर यार, कितना पी रहा है? अगर कुछ हो गया तो? स्वच्छ भारत के भीतर गंगा को गंदा करने की कोशिश मत कर। वैसे ही इस दारू में कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है यार, बस पीता जा ये चढ़ती जाएगी। कैसे चढ़ेगी तुझे?
हेलो, मैंने ओनर से पूछा तो वो जानता नहीं बता रहा है, और धोती पहन के बाहर में अलाउड नहीं है, ये पता नहीं तुम्हें? क्या मुसीबत है यार, धोती तो अपने देश का ड्रेस है, वो पहन कर आओ तो बाहर भगा देते हैं, और कोई कुछ कह नहीं रहा है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। गांधी जी भी जब धोती में गए थे तो उनको भी अंदर जाने नहीं दिया था। तू फालतू में टेंशन क्यों ले रहा है? छोड़ ना यार। ए, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? जल्दबाजी में बोल दिया यार, हाथ जोड़ के कहता हूँ तू मत जा, बैठ जा मेरे भाई, बहुत चढ़ गई तुझे। ए भाई, बड़े बार में ये सब होता रहता है यार। ए, यहाँ बैठा है तो गाने का मजा लेना, बार के अंदर ला के तू बकवास कर रहा है मेरे साथ। हम इन सब में नहीं फंसता यार, हम दोनों तू सिर्फ नाम के डिपार्टमेंट में, तेरा कोई यूज ही नहीं है भाई। डिपार्टमेंट से ज्यादा पब्लिक का पावर होता है, ये पता है ना? किसने दरवाजा खोला था पता है ना? तूने डिपार्टमेंट का नाम लिया तो मुझे याद आया, वो मानिक है ना, दो नंबर के धंधों से ऊपरी कमाई बहुत करता है। एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए एक अलर्ट मैसेज भेजा है, एक बैंक का बड़ा अमाउंट कलेक्शन आने वाला है, ऐसे न्यूज दिया है। अब अमाउंट बड़ा है तो तू वहाँ जरूर जाएगा, ऐसा उसे उम्मीद है। जैसे तू कोई शातिर चोर है, वो तुझे पकड़ने के बारे में सोच रहा है। वो एक गोरखे के जैसा बैंक के बाहर खड़ा रहने वाला है। वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है। जैसा है, मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ। थैंक्स मेरे भाई, तुम दोनों एक नंबर के कमीने हो। अलर्ट मैसेज दे दिया है, वो पक्का आएगा सर। पक्का आएगा। ए, ऊपर इमली का डब्बा हिला कर दे। हस्तरेखा दिखाने का है क्या भाई? हस्तरेखा आओ भाई, तुम हो क्या? क्या सीजन खत्म हो गया? हाँ सर, मैंने कहा था ना चैनल वालों पर भरोसा मत करना। सर, वो मैटर नहीं है। फिर क्या मैटर है सर? हाथ दिखाओ हा? तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बता दूंगा सर, और वो भी एकदम सही सही। पैसे वैसे नहीं चाहिए। कुछ भी करेक्ट बोलो, मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ। एक कप कॉफी देता हूँ, मुंह में डालकर कुल्ला करके निकल जाओ। सर, क्या हुआ? आपके चेहरे पर एक नई चमक दिख रही है। मेरे चेहरे पर चमक है तो लड़की मिलेगी क्या? देखो अभी देखता हूँ सर। पक्का मिलेगी सर, इस हाथ में। एक मिनट, दो चेयर लेकर आ। आपके इस हाथ में बड़ा योग है सर। इस हाथ में पूरब दिशा से एक लड़की गाड़ी पर आएगी। कौन सी गाड़ी? कंटेनर है क्या? तुम अपना मुंह कम चलाए करो। सॉरी स्वामी जी। अब मेरी बात सुनो। उस गाड़ी के ऊपर एक नए जमाने की लड़की जींस पैंट में परी की तरह एक देवी आएगी। देवी आएगी, और जैसे ही वो तुम्हारी दुकान पर आएगी तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। उसके बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। पक्का आएगी ना स्वामी जी? पक्का आएगी, एक बार अपना सर ऊपर उठा कर देखो। स्वामी जी, पीछे का भाग तो दिख गया, आगे का भाग दिखा दो ना। तुम हमेशा पीछे क्यों ध्यान देते हो? जिंदगी में कभी आगे भी देखो। ऐसा नहीं है स्वामी जी, जिंदगी में कभी भी पीछे का दिख जाए तो आगे का दिखना जरूरी है कि नहीं? क्या बोलते हो? सही कहा। सुनो शक्ति, स्वामी जी परफेक्ट बात बताते हैं। स्वामी जी से पूछ लो तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। देखिए शक्ति सर, एक बार हाथ तो दिखाइए, जो परफेक्ट है बराबर है वही बताऊंगा। और सुनिए, जो पास के लोग सुनेंगे उनसे पैसे लूंगा। मैं बंदर दिख रहा हूँ, आजू बाजू से पैसे वसूल लूंगा, बाद में कंफर्म करना। ठीक है, बताओ उसको। दिखाइए ना शक्ति सर, दिखाइए। शक्ति सर, आपका जो नाम है वो बहुत ही पावरफुल नाम है। आपका हाथ देखने के बाद आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है ऐसा लगता है। अब तक हाथ देखा नहीं, और बस इतने में ए, देख कर बताओ। क्या रेखाएं हैं सर? हाँ। और इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ आपके पास हजारों लाखों रुपए जमा होंगे। लखपति बनेगा, लक्ष्मी खुद आकर आपके घर बसेंगी। देख रहा है स्वामी जी, लक्ष्मी साथ में रहेगी ना? रहने दो, रहने दो। और आपकी ये रेखा कह रही है कि आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। आज जितना भरना है भर लो, आज अक्षय तृतीया है, वरना पुलिस या कोई और आकर ले जाएगा। कितनी भी मुसीबत आए आप सूरज की तरह उसका डट के मुकाबला करेंगे। आपने जो भी पैसा जमा किया है उसे आकर कोई ले जाएगा, इसलिए अभी उपाय करें। क्यों भाई, सही है ना? इधर मत गिरो, सीधे रहो। क्यों मारा? क्या हो गया इसे, इतने गुस्से में क्यों है? क्या इसका पैर इतना लंबा है? फालतू बात करोगे ना वही लात उठाकर मुंह पर मारेगा। बड़ा कलेक्शन आने वाला है, ऐसी न्यूज आई है।
देख के नहीं चल सकते। मुझे कैश निकालना है। बस दो मिनट रुक जाइए सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या चाहिए आपको? लिफ्ट में। ये लिफ्ट नहीं है सर, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। लिफ्ट तो उस तरफ है सर। ओह प्लीज सर। ओके लॉक था, फिर भी चोरी कैसे हो गई? शिट! ए जगन। हाँ बोल। तू घर पे आया था क्या? नहीं तो मैं तो ड्यूटी पे हूँ। नहीं दरवाजा खुला था इसलिए पूछा। क्या दरवाजा खुला था? ये क्या बोल रहा है? ए तेरे घर का दरवाजा? वो सब तो सही है। एई, क्यों ऐसी बकवास कर रहा है यार? पहले तू सेफ रह। मैंने कहा ना उसके लिए सॉरी। ठीक है रुक जा। ए शक्ति, शक्ति, ए शक्ति, ए शक्ति, अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जवाब तो दे। ए शक्ति कुछ बोल रहा है यार। सब कुछ ओके यार। मैंने जो आपको एड्रेस भेजा है उस पर जमालुद्दीन को भेज दीजिए। शक्ति, ए, ए, शक्ति, ए, शक्ति, किसने मारा रे? ए,
इसे कैसे चोट लगी? तुम लोगों ने जो काम किया है उसके लिए तो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ए, तेरा और इसका क्या संबंध है? इसे चोट कैसे लगी ये पूछ रहा हूँ। चिल्ला मत, समझा ना, मैंने ही इसे मारा है। क्यों, FIR फाइल करेगा या फिर पुलिस चौकी में फोन करके मैं ही पुलिस को बुला लूं? ए, मैं भी उसी डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे डरा रही है क्या? हाँ, डरा रही हूँ। डिपार्टमेंट में काम करने वाले का इसके जैसे क्रिमिनल के साथ कॉन्टेक्ट होना क्या सही है? तुम सबकी तो फिर तुम क्या हो, मदर टेरेसा? तुम भी तो क्रिमिनल के लिए ही काम करती हो ना। ए, लोगों के पैसे लूट लूट कर यहाँ जमा कर रहे हो और शरीफ बन रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो ना। हाँ, क्रिमिनल के साथ हो ना। टेल मी हाउ इट इज योर नेटवर्क, किसके लिए काम करते हो? लूटने वाले सभी क्रिमिनल्स ही होते हैं। तो फिर फिल्मों में जैसा दिखाते हैं वैसा गरीबों में बांटकर दान धर्म करते हो या फिर बच्चों की फीस भरकर उन्हें पढ़ाते हो, क्या करते हो तुम लोग? हाँ? क्या वोट के लिए हम लोग 6,000 रुपए बांट रहे हैं क्या? बात करती है, इन पैसों में से 1 रुपए का भी चाय नहीं पी हमने अभी तक, समझी? दूसरों के पैसों को लूटकर यहाँ रूम में सजा कर रखते हो और यहाँ आप मुझे कहानियाँ सुना रहे हो। ठीक है, सुन रही हूँ, सुनाओ प्लीज। जो शक्ति को नहीं जानते उनके लिए वो लुटेरा हो सकता है, लेकिन सच में वैसा है नहीं दिया। पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खोने वाला शक्ति बचपन से ही ये पैसा देखकर खुश हो जाता था। मंदिर में सब लोग भगवान को हाथ जोड़कर आरती की थाली में पैसा डालते थे और ये उस थाली में से पैसा उठाकर बहुत खुश हो जाता था। लोग इसका बचपना है ये समझते थे, लेकिन शक्ति जैसे जैसे बड़ा होता गया इसके पैसे देखने की आदत भी बढ़ती गई। इसी वजह से उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगा, बच्चों के पॉकेट मनी, स्कूल फीस, हमेशा उसके पैसों पर ही ध्यान लगा रहता था। एक दिन शक्ति सो रहा था और शक्ति के चोरी करके लाए हुए पैसों को उसकी माँ ने देख लिया। और तभी से शक्ति की माँ को उसकी इस आदत के बारे में पता चला। क्यों चोरी करता है? क्यों चोरी करता है पता? करेगा चोरी? बोल, करेगा चोरी तू? हाँ? शक्ति, ये सब गलत है बेटा। कुछ चाहिए तो अपनी माँ से मांगो, मैं ला कर दूंगी ना तुझे। लोग भी मेहनत करके पैसा जमा करते हैं, वो पैसा नहीं लेना चाहिए। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारा बचपना था। मेरी बात मानोगे ना? हाँ माँ, आपकी हर बात मानूंगा। पैसे लूटने की उसकी आदत उसे छूटी नहीं रही थी, लेकिन अपनी माँ को दिया हुआ वचन और चोरी करने की आदत, ये दोनों उसके दिमाग में आपस में टकरा जाती थी। और इन दोनों के बीच हमेशा चोरी वाली आदत जीत जाती थी। आपके बेटे ने किसी के घर से पैसे चुराए हैं। बेटे को जन्म देना ही काफी नहीं होता है, उसकी अच्छी परवरिश भी करनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है बच्चों को ठीक से सिखाना भी चाहिए। ऐसे ही आवारा बच्चे बड़े होकर खून खराबा, लूटपाट, रेप, मर्डर, हर तरह के गलत काम करने लगते हैं। सुनो, इस बच्चे को कोर्ट में लेकर जाओ। तुम्हें हमेशा याद करेगी बेटा। उसका बेटा चोर बन गया इस बात का सदमा शक्ति की माँ सहन नहीं कर पाई। अगर शक्ति की माँ जिंदा होती तो शक्ति की जिंदगी ही कुछ और होती। बेचारा शक्ति, ना समझी में की हुई गलती और भूल से किया हुआ काम, और मैं अपनी गलतियों की वजह से। दोनों जूनियर होम में मिले, किसी से बात नहीं करता था। वो मुझसे बात करने लगा और हंसने लगा, रोने लगा, सब कुछ बताया। जिंदगी भर साथ में रहने के जैसा हमारा फ्रेंडशिप हो गया। गिर गया, गिर गया। शक्ति के दिमाग में घुसा हुआ जानवर वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शक्ति, 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 क्या हुआ शक्ति? शक्ति, आ! शक्ति, क्या हुआ तुझे? माँ! कौन है जिसने पैसे चुराए? शक्ति ने चुराया है। सर, 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 मुझे चोरी करेगा, पैसे चुराएगा। बोल। जाओ बेटा, जाओ जाकर रेस्ट करो। दिस इज टू क्रूल मिस्टर राजेंद्रन।
अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करते फिर आप? इन लोगों को जेल में डालने के बजाय यहाँ रखते हैं, ये लोग जो गलती करते हैं उसे सुधारने के लिए। उसे मारा इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? एक दिन यहाँ बैठकर देखिए, तब पता चलेगा यहाँ पर बच्चे कितनी शैतानी करते हैं। मेरे रूम से पैसा चोरी करेगा और मैं चुपचाप देखते रहूंगा? मैं इतना दयावान नहीं हूँ। आपका लॉजिक आपके पास रखिए। हम दोनों के लॉजिक को मैं किनारे कर देता हूँ। देखिए शक्ति के साथ आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। मैंने उससे बात की थी, उसका चोरी करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। आपकी तिजोरी में पैसे चुराने वाला वहां रखे हुए गहने, गोल्ड वॉच, चेन, अंगूठी, वो सब नहीं चुराई, तो कह सकते हो एक बीमारी। ओहो, तो ये साइको चोर है। ऐसा मेडिकल में अब तक हुआ नहीं सर, और अगर ऐसा किया तो एक बात ध्यान दीजिए, उस पे किसी भी हालत में हाथ उठाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। बड़ा क्रिमिनल बनने का ये एक जरिया बन सकता है। मेरी सलाह ये है कि अगर उसके फिजिकल चेंजेस को थोड़ा कंट्रोल करके देखा जाए तो वो शायद उसके लिए जान का खतरा हो सकता है। शक्ति के बारे में सब कुछ जानने के बाद मैंने उसे संभालने का फैसला कर लिया। वो जो भी पैसा चुरा कर लाता उसे कमरे में भरकर उसे सजाकर रखता, उसकी खूबसूरती को देखता रहता। उसे पैसा एक रानी के जैसा लगता था। वो उन पैसों को बहुत ही हिफाजत से संभालता था। फिर मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, क्राइम डिवीजन को मैं संभालता था। डॉक्टर ने जो उस दिन कहा था वो बातें सुनकर सारी बातें मेरे दिल की गहराई में बैठ गई थी। तब तक उसके दिमाग में लूटने का इरादा था, तब मैं उसे कंट्रोल में लेकर इलीगल मनी जहां होता था वहां मैं उसे ले जाता। कभी कभी तो वो मुझसे बढ़कर भी बहुत ही रिस्क वाला जगह पे हाथ डाल देता था। शक्ति अपने आप को एक बहुत बड़ा लुटेरा समझता था, लेकिन हर बार लूटने से पहले उसके उस सदमे को कंट्रोल करने के लिए जो परेशानी उठाई, बाहर निकालने के लिए जो परेशानी उठाई, ये बात कोई नहीं जानता। तुम लोगों को चोरी की आदत हो गई और ऐसी खतरनाक लूटपाट करते हो और मुझे कहानी सुना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखो दिया, तुम उसकी समस्या को समझने की कोशिश करो। पैसा ही उसकी बीमारी है और लूटना ही उसका ट्रीटमेंट है। तुम लोगों ने जो भी किया वो कोई हेल्प नहीं है, बेवकूफी वाला काम है। देखो शक्ति मेरा फ्रेंड है, उसकी जान को कोई खतरा ना हो इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है तुम्हारे सामने मैं बेवकूफ सही, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो भी समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ। जगन, जगन, किसी भी तरह इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। यहाँ रहोगे तो तुम लोगों की जान को खतरा है। तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? ये सब बताने का टाइम नहीं है। तुमने ये सब इसकी जान को बचाने के लिए किया ना, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे लेकर यहाँ से जाओ। कौन है? कौन है? उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहाँ है वो? मेरे पैसों का हाथ डालने वाला कमीना कहाँ है वो? इतना सारा पैसा? बहुत ट्राई किया पर वहां से निकल गया। अभी तो सिर्फ ये पैसे ही मिले हैं, जल्दी उसे भी पकड़ लूंगी मैं। उसके जगह का पता चलते ही मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं उसे उठा नहीं लेता। तुम उसे पकड़ने के बारे में सोच रही हो? हकीकत में वो भाग गया या फिर उसे पैसा लेकर भगा दिया तुमने? ऐसे को काम मत दो, मत दो। कहा था ना मैंने तुमसे, सुना क्यों नहीं? ठीक है, तुझे मैं बाद में देखता हूँ। ए, सारे पैसे उठाओ। ए, ए, पैसा उठाने को बोला ना, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? ए, अंदर आओ, पैसे निकालो। ए, ए, ये क्या कर रहे हो? आपके जितने पैसे बनते उतने लो ना। तेरा काम खत्म हुए, बहुत देर हो गई, आप जगह खाली कर दे। तू यहाँ से निकल जा, जा। ए मालिक, सारा अमाउंट गाड़ी में डाल दे। ओके पापा। आपने अपने पैसों से एक रुपया भी ज्यादा लिया ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तेरी तो क्यों रे, क्या करेगी? इज्जत से जगह खाली करने को कह रहा हूँ, निकल जा वरना काट दूंगा तुझे। शरीफ जादी की तरह सीन बना रही है। ए, एक नोट भी नहीं छूटना चाहिए, सब उठा लो। एक रुपया भी छोड़ा तो तुम लोगों की जान ले लूंगा। सब उठा के लेके चलो, ठीक से बांधो, ठीक से बांधो, जल्दी करो, सब गाड़ी में डालो। ए, चलो आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ। मैंने पहले ही कहा था मेरे धंधे से दूर रहो, जिसने ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। चलो ठीक से गाड़ी में डालो, चलो। अरे आराम से चलो। ए, तुम लोग साइड पे चले जाओ। अलर्ट मैसेज देने के बाद उसे रिलेटेड डिवीजन में कहां कहां और किस किस को किस टाइम पे फोन किया वो तुमने चेक किया क्या? यस सर। अगर अपना आदमी हुआ तो कौन कौन से ऑपरेशन में शामिल हुआ है सबको ट्रैक करके हिस्ट्री निकालने के लिए कहो, देर मत करो। सर, सब कॉल को ट्रैक किया गया है, दोपहर तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। गुड।
हेलो यस माणिक सर, मैं मार्कन बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन देनी है, मैंने इसीलिए आपको फोन किया है। आप जिसे ढूंढ रहे हो कैरेबियन कार में ताम्रम बाईपास से जा रहा है। कार नंबर है TN76500। आप उस कार वाले को पकड़कर एक बहुत बड़ा अमाउंट पकड़ सकते हैं। तुम मैं कौन हूँ ये पूछने में टाइम मत गवाइए। मेरा नाम है दिनाकरण, डिजिटल इंडिया। सर, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो करेक्ट है। Come on, let's go. पापा पुलिस। गाड़ी मत रोकना, चलाता रहा। वो माड़ी पासवान है, उसके हाथ लगा तो बचेंगे नहीं। ए, ए, अरे मेरे बासु, क्या कर रहा है? नहीं, और मैं से नहीं चलूंगा। मालिक चल निकल यहाँ से। मालिक। इन पैसों को जहां बोलता हूं वहां ले जाके रख दो, सेफ रहेगा। ओके सर। हॉस्पिटल में था तो वो डिटेक्टिव लड़की दिया, उसी ने हमें यहाँ से भगाया था यार। जब वो मिलेगी तभी पता चलेगा कि पैसा कहाँ है। उसे मारूंगा, सच कह रहा हूँ। उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। प्लीज। ए, शक्ति। जब ट्रेन में लूट हुई थी तभी मैं समझ गया था इस काम को किसी गैंगस्टर ने ही किया होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट में उन लोगों को मार कर पैसा लेकर के भागा, और जिस टेक्नोलॉजी से बैंक में चोरी हुई है, इन सब में एक ही फैक्ट का पता चलता है, लेकिन उसकी उम्र की वजह से हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सर, मलिक भी तो जवान ही था ना, उसी ने ये सब तो नहीं किया। उसके बस का नहीं है, लूटा हुआ पैसा उसके पास से मिला, इसलिए वही अक्यूज्ड है। हम ये फैसला नहीं कर सकते, लड़कियों के पीछे भागने वालों के पास इतना दिमाग नहीं होता। ये पैसा उसके पास किसके जरिए आया उसे पकड़ना होगा। हाथ से भागा हुआ जमालुद्दीन जब पकड़ में आएगा तभी ये मामला पूरी तरह से क्लियर होगा। स्टालिन सर, जमालुद्दीन और मालिक पैसा लेकर जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जिसने दिया था उसका नंबर ट्रैक किया क्या? कर लिया है सर। आपकी हालत में समझता हूँ भाई, लेकिन इस मामले में मुझे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा। वो तो कर दिया, अब क्या करने जा रहे हो? अब तुम वो पुराने कार्तिक नहीं रहे, तुम पैसे के भूखे हो गए हो। जमाल, तुम ये जो बकवास करो ये सब मैं नहीं सुन सकता। सुनना होगा, मैं जो भी कहूंगा तुम्हें सुनना होगा। तुमने जो काम किया है उससे मैं अपने बेटे को खोकर गांव-गांव छिपते घूम रहा हूँ, समझे? मलिक को मारने वाली पुलिस है तो पुलिस का गुस्सा तुम मेरे ऊपर क्यों निकाल? पुलिस क्या बे पुलिस, वो तो खाली बंदूक है, उसकी गोलियां तो तुम लोगों। अभी दुकान खोली नहीं, फोकटिया आ गए। ए, उसे एक चाय बोल। ओके सर। ए, सुनो। हाँ, क्या सुनो? एक चाय देना। पैसे देते हो क्या? अरे दे देंगे ना। कौन देगा? अरे वो हमारे बड़े साहब है ना, वही देंगे। ये कौन है भाई, नया दिख रहा है, ये लो। एक चाय सर को दे के आओ, जल्दी जाओ। क्या सर, यहाँ खड़े खड़े धुआं छोड़ रहे हैं। ये लीजिए सर। मैं किसी को फोकट में नहीं देता। सुरेश। सर, इसे पैसे दे दो। धन्यवाद सर। आंध्रा से ट्रांसफर होकर आया लगता है। अरे रुक जा रे, दाढ़ी बढ़ाकर घूमेगा तो पहचानूंगा नहीं क्या? एक साल से फ्री में वड़ा खा रहा है और चाय पी रहा है तू, पैसे कौन देगा? तेरा बाप देगा? पैसे दे। ऐसा नहीं है भाई, मैं काम ढूंढ रहा हूँ भाई। काम ढूंढ रहा है? क्यों, सीए का काम ढूंढ रहा है? इस देश में तेरे जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, या तो पैसे दे या तेरी बहन का हाथ दे। नहीं भाई, एटीएम कार्ड है, एटीएम जाकर मैं। तेरा एटीएम का झूठ नहीं चलने वाला, चल अभी मैं तुझे एटीएम दिखाता हूँ। ये देख, एटीएम पैदा करने वाले लोग मेरे पास हैं, समझ गया? ये देख, शॉपिंग मशीन, पेटीएम, नेट बैंकिंग सब कुछ होता है। चल तेरा कार्ड निकाल, ये डिजिटल इंडिया दिनाकरण को बेवकूफ समझता है। कौन है तू? दिनाकरण ऑफ डिजिटल इंडिया।
ए, तेरा कार्ड निकाल। कार्ड घर पे है भाई। तेरी बहन को फोन कर, कार्ड लेकर आने को बोल। सर आपके 20 रुपए हुए। क्या नाम बताया तूने? डिजिटल इंडिया दिनाकरण। क्या हुआ? क्यों मिस्टर डिजिटल इंडिया दिनाकरण? पहले तूने किसी डिपार्टमेंट वाले को इन्फॉर्मेशन दिया था क्या? आपके डिपार्टमेंट को? सर मैंने सिर्फ उनको चाय दी है सर, उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं। जमालुद्दीन को तुम कैसे जानते हो? कौन है सर वो? ओ आसिफ खान बिरयानी दुकान वाला है ना? ए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। जमालुद्दीन पैसा लेके जा रहा था, ये बात तुझे कैसे पता चली? उसका और तेरा क्या संबंध है? कसम से वो कौन है मैं नहीं जानता सर। एक ज्योतिषी मेरी दुकान पर आया था, उसने कहा था कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मेरी समझ में आया अच्छे दिन क्या है। क्या बकवास कर रहा है? मैं सही बोल रहा हूँ सर, कसम से उसके बारे में नहीं जानता सर। एक दिन जब मैं गरम दूध ठंडा कर रहा था तो एक लड़की बाइक पर आई थी। मैं उसको देखूं, वो मुझको देखे, वो घुर घुर देखे, टक टक देखे, मारे झटका, ये दिल मेरा अटका, हाँ उसी पे अटका, ये मुस्काए तो मारे जैसे करंट झटका। मैं देख देख उसका फोटो आँखों से खींचूं रे, वो पास मेरे आ। हाय डियर। कौन मैं? या बेबी। ए, चल जा यहाँ से। और उसके बाद शादी की उम्र हो गई इसकी, बताओ ना बताओ ना, जीने की तमन्ना है मेरी भी। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कम बेबी। सुनिए ना। बोलिए मैडम। मेरे लिए एक फोन कर सकते हैं क्या? तुम्हारे लिए तो मैं खून भी कर सकता हूँ, फोन करना कौन सी बड़ी बात है? थैंक यू बेबी, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही कहना। हाँ, ओके? मैं करूँ क्या? तुम जो कहोगी okay. मैं बोल दूंगा। हेलो, मैं मार्कंडे बोल रहा हूँ। सर एक नंबर दिया उसने, फिर बोलने को बोली, मैंने वैसा ही बोल दिया। किसको बोलना था, क्यों बोलना था, मुझे कुछ पता नहीं है सर। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ सर, मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना भूचाल आ जाएगा सर। वो दिखने में कैसी थी, उसे देखेगा तो पहचान जाएगा क्या? लड़की देखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी सर, देख के बिल्कुल पहचान जाऊंगा सर। जैसे फॉरेनर शर्ट खोल कर घूमती है ना सर, बिल्कुल उसी स्टाइल में घूमती है सर। कमांडो बाइक पर आई थी सर। सर मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा? मैडम एक ग्लास पानी दो ना। व्हाट्सएप पे दिया का जो फोटो वो दिखाओ, जल्दी दो ना, साहब बोल रहे हैं ना। जरा देखिए ये क्या, जरा ठीक से दिखाइए सर, ये वही है सर, वही लड़की है ये, जल्दी पकड़िए सर। ये उधर क्यों खड़े हो गए सर? उस दिया ने जमालुद्दीन को क्यों पकड़वाया सर? पुलिस वाले हो ना, जल्दी पकड़ लो। सॉरी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, अगर मेरा ख्याल सही है तो हम जिसे ढूंढ रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के आदमी से वो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करेगी। महेश्वरी सर बुला रहे हैं। Sir. इसे घर भेज दो। ओके सर। जब टाइम आएगा तो बुला लेंगे। ओके सर। सर मैं शाम तक यहीं रुकूं क्या सर? ए, तेरे घर से किसी को आने के लिए यहाँ पर बोल। मैडम मेरा कोई नहीं है मैडम, मैं कनाथ हूँ। आप एक हाफ वाइन मंगा देंगी तो मैं उसे पीकर यहीं बरामदे में सो जाऊंगा मैडम। हाँ कुछ गलत नहीं करूंगा मैडम, प्लीज। कॉफी पी रही हो? पियो पियो पियो, अच्छे से मजा लेके पियो, टेस्ट लेकर पियो, क्योंकि ये आखिरी कॉफी है तुम्हारे लिए। क्या है, यहाँ डायलॉग मारने आए हो? मैं इन सबसे डरने वाली नहीं हूँ। जानता हूँ तुम किसी से भी लड़ सकती हो, जानता हूँ, क्योंकि ऐसा काम करके बिना किसी से डरे हुए 200 कॉफी का ऑर्डर देती हुई घूमोगी क्या? क्यों, तुम्हारा बेटा मर गया है तो मैं अपना खाना छोड़ दूं? तेरे मालिक की चर्बी ज्यादा थी और वही चर्बी तुझ में भी है, उसका जो अंजाम हुआ वही तेरा भी होगा। भाई यहाँ पे लड़ाई होगी, अब जल्दी आइए। इसे खींच कर लाओ। इज्जत से उसे मेरे हवाले कर दो, और तू उसे बचाने की कोशिश करेगा तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो तुम भी इसे उठाने आए हो क्या? लगता है इसने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे हैं। किसके हाथों से मरना चाहती है, मेरे हाथों या फिर उसके हाथों से? अब बोल,
मेरे घर से चुराया पैसा कहाँ रखा है तूने? जवाब दे, कुछ पूछ रहा है वो। क्या बोली? इसके घर से पैसा लिया वो? ओह, मेरे पैसे को ऊपर हाथ लगाने वाला शैतान तू ही है। इतने दिनों से मैं तुझे ही ढूंढ रहा था बे। तेरे घर से सारा पैसा उठाने वाला मैं ही हूँ बे। लेकिन ये तुझे बचाने के लिए मुझे पुलिस से अटका दी, तो इन सारे झमेलों का कारण तू ही है ना, तो सबसे पहले तुझे उठाकर ही ठोकता हूँ। आ जा बे, आ। तुझे मैं भी ढूंढ रहा था। ए, उसे छोड़ो, पहले उसे डालो। मुझे ही गलत ठहरा दिया, लेकिन तेरी तो मदद की ना। ए, देख यार, मैं उसके सपोर्ट में बात कर रहा हूँ तो ऐसा मत समझ कि मैं अपने पर्सनल फायदे के लिए बोल रहा हूँ। देख, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी सोचने का काम तेरा है, ठीक है? क्या है, मेरा मर्डर करने आए हो क्या? छूकर तो दिखाओ। सॉरी एंड थैंक्स। व्हाट? उस दिन मैं तुम्हारा खून करने आया था उसके लिए सॉरी, और तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक्स। अब मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हेलो, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? मैं कौन हूँ क्या हूँ समझ जाने के बाद मुझे बचाने के बारे में क्यों सोचा जान सकता हूँ? मुझे कोई इम्प्रेस नहीं कर सकता, मेरे डैड भी नहीं। फिल्मों में जैसा दिखाते हैं वैसे इमोशनल स्टोरी से इम्प्रेस होकर आंखों में आंसू आ जाए और फिर मुझे प्यार हो जाए, ऐसा कोई भी स्टुपिड सा काम मैं नहीं करने वाली हूँ। एज अ डिटेक्टिव मैंने तुम्हारे कैरेक्टर को स्टडी किया है, इससे मुझे एक बात पता चली है कि जैसे फिल्मों में स्पाइडरमैन बन जाता है, एक न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कोई एक्समैन बन जाता है, ये सब हॉलीवुड में होता है। बट यू, यू आर अ रियली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। फिलोसफी के हिसाब से जो भी सुपर हीरो बनता है उसे कोई दुख होता है या कोई बीमारी, तुम भी वैसे ही हो। मैं तुम्हें एक मुजरिम की तरह नहीं देखती, एक पेशेंट के तौर पर ही देखती हूँ। अगर तुम्हें ये बीमारी नहीं होती तो तुम में जो टैलेंट है तुम उसे क्या क्या कर सकते थे, पता है तुम्हें? मैं भी तुम्हें इसीलिए बचा रही हूँ, इट मे बी द रीजन। शाबाश, सिंगल मीटिंग में ही इतना हैंडल कर लेती हो, तुम तो सच में बहुत बड़ी डिटेक्टिव हो। थैंक यू। हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, इसमें बहुत सारे लोग किसी चीज की इच्छा रखते हैं, उन्हें जो चीज चाहिए होती है सिर्फ उसी को चाहते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज हो उस पर वो लोग ध्यान ही नहीं देते, बस एक ही चीज के पीछे रहते हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिस्क उठा सकते हैं। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। मैंने भी आपके क्लिनिक में बहुत से केसेस देखे हैं डॉक्टर, लेकिन ऐसा केस कभी नहीं देखा है। मैंने इस बीमारी के कई मरीज ठीक किए हैं। शक्ति को जो बीमारी है वो बचपन में इसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ, वो सब पैसे की तंगी जो उन्होंने झेला है, इन सब का ही असर है उस पर। जिंदगी तो बीतती गई लेकिन कुछ बातें उसके दिमाग में अभी भी रहेंगी। ये उन पैसों को ना खर्च करता ना किसी और को देता, बस रूम में सजाकर उन्हें देखता रहता, ये बात समझ में नहीं आई। वो पैसा खर्च क्यों नहीं करता ये बात तुम्हारे दिमाग में तो आएगी लेकिन उसके दिमाग में नहीं आएगी। ऐसा ही एक पेशेंट रशिया में था, लूसिफर नाम था, वो भी वैसा ही था, सोना चांदी लूट कर अपने घर पे रखता था। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया तो वो बोल ही नहीं पाया। शक्ति का केस भी वैसा ही केस है, जब इसे लूटने का ख्याल आता है तब वो एक पागल हाथी के जैसा हो जाता है, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और लूटने के बाद वो एक नॉर्मल आदमी बन जाता है, एक साधारण इंसान। शक्ति, क्या शक्ति को ठीक किया जा सकता है डॉक्टर? व्हाई नॉट, 90% ठीक कर सकती हूँ। तुम तो कैरेक्टर स्टडी कहती हो ना, अब तुम्हें सही इंसान मिला है, इस पर स्टडी करो। जो टिप्स चाहिए होंगी मैं दूंगी, पॉकेट में रख कर अच्छे से स्टडी करो तुम। थैंक यू। हाँ, सुनो, इस रिपोर्ट को सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ओके सर। ओके, श्योर सर। हाँ, आधा ट्रैक करना है तो उसके लिए फॉरेंसिक लैब से ही नहीं लाया? यस सर। रिसेंट में हुई तीनों रॉबरी में एक ही आदमी का हाथ है ऐसा अंदाजा है, बट नो प्रूफ। उन तीनों इंसिडेंट का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट में
कोई फिंगरप्रिंट जैसी सिमिलरिटीज हैं क्या? ध्यान से देखना, उसी के आधार पे वो आदमी कौन है और आगे क्या करना चाहता है, इन सबकी डिटेल्स निकालो। आज अमावस्या है इसलिए मेरे दोस्त के लिए एक बियर और मेरे लिए एक हाफ बॉइल। अरे यार, इस दुनिया में जब तू बच्चा था तब से पैसों की इच्छा रखने वाला है, तू अकेला होगा ऐसा समझा था, पर यह सच नहीं है। ये लो पकड़ो। अरे यार, चुपचाप इस बच्चे को गोद में उठा ले। क्यों यार, पूछताछ करूं क्या? हाँ ठीक है पी, और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, चली दल्ला, जब से पानी पी, समझा ना? सॉरी सर, देयर इज नो मैच। मिस्टर एलिंगो सर, बैंक रॉबरी में अपने डिपार्टमेंट के फोन नंबर के साथ दिया हुआ नंबर मैच होता है क्या, ये देखने के लिए बोला था, देखा क्या? सर रेडी है सर। सर ये जितने ही फोन कॉल्स हैं, ये सभी नंबर दिया के फोन नंबर से कनेक्ट हुए हैं सर। ओके। कितनी अजीब बात है सर, अपने डिपार्टमेंट ने एक भी लड़के को नहीं छोड़ा है सर, इतने सारे लोग कॉन्टेक्ट में है। इस लिस्ट में दिया से किसने किसने कॉन्टेक्ट किया है ये जरा चेक करो। ओके सर। सर इन 10 लोगों को अलग से उठा के उल्टा लटका के पूछताछ करें क्या? ए, बोलने से पहले सोचा कर, ये सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं। सर लोकेशन पैरामीटर में रखकर उन लोगों के डबल सिम के ऑप्शन को देखते हैं सर। समझा नहीं। इन नंबर में होने वाले सारे कॉल्स दिया के साथ कनेक्ट हुए हैं सर, ऐसा कह नहीं सकते। बार बार कौन आमने सामने कनेक्ट में थे ऐसा मैक्सिमम पहचान पाने के लिए डबल सिम ऑप्शन को सामने रखकर देखते हैं, रिजल्ट मिल जाएगा सर। यस गॉट इट। हेलो 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 सर, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, बोलो। मैं मधुर वाइन पुदुपालन के बाजू में बार है, वहाँ से बोल रहा हूँ सर। आईबीसी बैंक का सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। उस बैंक में जो लूट हुई थी, मुझे एक आदमी पर शक है सर, मैंने इंक्वायरी में कहा भी था, वो आदमी अभी बार में बैठा है सर, जल्दी आ जाइए सर। शक्ति, ए शक्ति, ये क्या हो रहा है यार? ए शक्ति इधर देख यार, देख यार क्या हुआ? शक्ति, ए ए, हम लोग पब्लिक में बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर ने बोला था उसे याद कर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ए ए ए ए नहीं यार, सोचा था दिया ने जो ट्रीटमेंट दिलवाई है उससे तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तू इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता। ए, अगर ये बात उसे पता चली तो वो क्या करेगी, वो बात उसे भी नहीं पता है, जो बोलना था बोल दिया, बाकी तेरे ऊपर। हेलो। हाँ बोलो दिया। ये क्या बात हुई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा?
और तुम्हारी आवाज अलग से क्यों लग रही है? एनी प्रॉब्लम? हेलो, हे, हेलो। हाँ बोलो। नहीं, तुम नॉर्मल नहीं लग रहे हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आई एम श्योर। कहाँ गए थे तुम लोग? पब्लिक में आकर कोई लूट के चला गया? यूनिफॉर्म निकाल के कोई दूसरा काम ढूंढ लो, अगर पब्लिक को पता चला तो। ये देखिए सर, ए, उसका फोटो बनाओ। ओके सर। जो भी जानते हो बताओ। सर तुमने चेहरा देखा था ना, तो वो हिलिया बताओ, ये ड्रॉ करेंगे उसे। सर उसकी आंख थोड़ी और साफ दिखाइए ना। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है सर, और थोड़ा साफ कीजिए। ऐसे? हाँ ऐसे नहीं सर, थोड़ा और पतला पतला। हाँ ठीक है, ऐसा ही सर। तुम कहीं भी रहो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा याद करेगी। तुम्हें छोड़कर जाऊंगी या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानती। मेरी माँ ने मुझे इतना समझाया, उसके बाद भी मैंने चोरी करना नहीं छोड़ा। उनकी एडवाइस के बावजूद मैंने चोरी की, इसलिए बिना वजह उनको मैंने बलि चढ़ा दिया। और अभी तुम बिना किसी मकसद के मेरी मदद कर रही हो, मुझे तो मुझ पर ही भरोसा नहीं रहा। यह चोरी करने की आदत मुझसे छूट नहीं रही है, मेरी माँ की तरह तुम्हारे साथ भी हादसा हो यह सोचकर डर लग रहा है। इस दिया को अगर तुमने अपने दिल में जगह दे दी है तो अब तुम पक्का चोरी नहीं करोगे। अब से लूटने का जब भी ख्याल आए ना तो मुझे याद कर लेना, ठीक है? सर गुड मॉर्निंग सर, कल दिया का नंबर ट्रैक करने के वक्त बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है सर। सर इसे पहले से मैं अच्छे से जानता हूँ, उसका दोस्त क्राइम डिवीजन में काम करता है, जितनी भी लूट होती है ना उसकी इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। सर उठा लें क्या? जब तक मैं ना बोलूँ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों सर? जो कहता हूँ बस वही करो। हेलो बोलिए। नमस्ते सर, कल रात को जो हमने स्केच बनाया था एक्यूज के साथ वो तैयार हो गया सर, वो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आप देख लीजिए सर। हाँ देख लेता हूँ। वो मानिक पासवान ने हमें सूंघ लिया लगता है। ये क्या बोल रहा है तू? मुड़कर मत देख यार, वैसे ही बैठा रहा है। वो बाइक से हमारा पीछा कर रहा है। देख अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, मैं मार्केट देख करके गाड़ी धीमा करूंगा, तू वहाँ उतर करके भाग जाना, समझ गया ना? फोन ना करो, रूम पे मत आना। ए, मैं तुझे छोड़कर भला कैसे भाग सकता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। चल। ए, नहीं बे, मैं उनके डिपार्टमेंट का हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, समझ गया? देखा जाएगा, तू बस आगे चल। लेफ्ट में चल, लेफ्ट शिट, अटक।
के यार। ए, साइड हो जा, उतर रहे। दिया? बाहर जाओ। क्या हुआ? मैंने कहा बाहर जाओ। अरे क्या हुआ? कह रही हूँ ना जाओ यहाँ से। ए, ये क्या पागलपन है दिया? हाँ पागलपन है, मैंने सोचा कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दूँ, पर मैं ही पागल हूँ। मुझे छोड़ दो शक्ति, मेहरबानी करके यहाँ से जाओ। अब से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है वो करो, मेरे सामने एक्टिंग मत करो बस। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? ऐसे स्टूपिड की तरह बर्ताव करियो, क्या हो गया तुम्हें? तुम बिल्कुल सही हो, मैं ही मिसबिहेव कर रही हूँ ना। तुम्हारी ट्रीटमेंट करवा कर एक अच्छा इंसान बनाकर मैं चाहती थी कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे शक्ति। क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? मैं ही पागल हूँ ना? सही बात है, आज तक मैं किसी और की बात नहीं मानती थी, लेकिन अब देखो क्या हो गया है मुझे। अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है मैंने, ये सब तुम्हारे लिए किया है। पहली बार एहसास हुआ है कि मैं भी तुमसे प्यार कर सकती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर एक अच्छा लड़का मिल गया ये सोचकर मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मेरे सारे सपने तुमने एक मिनट में चूर कर दिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना दिया। अच्छा तुम मेरे साथ हो शक्ति? उस मानिक वासवन के सामने हाथ जोड़कर तुमने कबूल कर लिया कि तुम एक चोर हो, और अब तुम यहाँ मेरे सामने आकर खड़े हो, यही सब किया ना तुमने शक्ति? किसने? जगन ने कहा ना ये तुमसे? जगन को मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा सकती थी। तुम्हारे बताए बिना मैं जान सकती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। You are a cheat. मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोई, लेकिन आज तुम पर भरोसा करके मुझे रोना आ रहा है। सच्चाई क्या है ये जाने बिना रोना? ये तुम्हारी बेवकूफी है। क्या हुआ है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच मानना ना मानना ये तुम्हारी मर्जी। सर हमें अकेले पकड़ के यहाँ क्यों लाए हैं सर? बड़े बड़े लूटों को अंजाम देने वाला ये मिस्टर शक्ति है, अपने साथी जगन के साथ इतनी सारी लूटों को अंजाम दिया है, दोनों को इस नदी के किनारे शूट करके मार डालूंगा। क्या देख रहा है बे? हम तुझे पकड़ के कोर्ट ले जाएंगे, पागल समझ रखा है क्या मुझे? तो एक बड़े वकील का सहारा लेके आसानी से छूट जाओगे, आराम से बाहर निकल कर बिरयानी ठूसोगे, और हम बेवकूफ के बेवकूफ बन रहे? इनकाउंटर कर देता हूँ, सारा मामला यही के ही खत्म हो जाएगा, तुम दोनों के साथ यही सही रहेगा। हाँ बोल। तुम लोग सब डिपार्टमेंट में क्यों हो? सबकी सब साड़ियां पहनकर दलाली का काम क्यों नहीं करते? तुम लोगों को तो आसानी से इनकाउंटर कर दूंगा, इनका क्या करूं समझ में नहीं आता। अगर आप चाहें तो उनसे डील करके वापस आ सकते हैं सर। ए, अपने डिपार्टमेंट का कोई मामला है क्या सर? जनता और पार्टी के नाम पर कुछ एमएलएस को हाथ में रखकर सीएम बनना चाहता है वो कबाड़ी साला। कुछ बैंक ऑफिसर्स को अपने साथ मिलाकर मदद के नाम पे 50 रुपए 60 रुपए करके जनता के अकाउंट से काट कर उसे जमा करके रखा है। उन सारे पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे आने वाले फायदे को एक बियर फैक्ट्री डालकर करोड़ों रुपया बना के रखा है। सारा पैसा सीएम बनने के लिए उन एमएलएस को खरीदना चाहता है, उसने सारा पैसा एक जगह पे छुपा के रखा है। मुझे उसके सीएम बनने के सपने को तोड़ना है और पब्लिक के सारे पैसों को वापस लेके आना है। उसके लिए मैंने एक प्लान बना के रखा था, लेकिन डिपार्टमेंट का एक गद्दार तेरे जैसे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा ब्लॉक कर दिया है मुझे, क्या करूं समझ में नहीं आता। पब्लिक का पैसा मैं बचाऊंगा। व्हाट? तू बचाएगा? जी हाँ, आपका डिपार्टमेंट तो पब्लिक के पैसों को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं बचा। ये तेरा काम नहीं है बे, मुझसे अपने आप को बचाने के लिए प्लान बना रहे क्या? अगर ऐसा करना होता तो मेरा अप्रोच अलग तरीके से होता, और सिर्फ यही नहीं, ये काम मैं आपके लिए मुफ्त में नहीं करने वाला। तो फिर अगर मेरी डील आप मानने के लिए तैयार हो तो पैसा आपके हाथ में मिल जाएगा। क्या सोच रहे हो आप? मैं अपनी जान को हथेली पे रखकर वो पैसा लाकर आपके हाथ में दूंगा, और आप प्रमोशन पाकर बिरयानी खाते हुए घूमते रहेंगे। I like this counter, come on, डील बताओ। मैं, जगन, दिया, हम तीनों के भी नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आने चाहिए। अगर ये डील आप मानने के लिए तैयार हो तो पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे, अभी आप सोचिए। मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन अगर होशियारी करने की कोशिश की तो समझ गया ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस आदमी की डिटेल्स मुझे दे दीजिए,
मैं पैसों के साथ आ जाऊंगा। अगर ये एक काम मैं उसे करके दे दूंगा तो सोच कर देखो, मैंने जनता के लिए एक अच्छा काम करने के बारे में सोचा है तो लोग ऐसा समझेंगे कि मेरे अंदर बदलाव आ गया है। मर गए तुम सब लोग? कोई हमारी जगह पर आकर उसका लॉक ओपन कर रहा है और तुम लोग कहां मर गए हो? जाओ उसे खत्म कर दो। मैंने कर दिया है।
सच में बहुत काम के आदमी हो तुम, जैसा बोला था वैसा किया। ए जाओ पकड़ो ने। कहाँ छुपे हो? बाहर आओ। उस दिन तेरे लड़के के साथ तुझे भी मार देता, लेकिन बच गया तू। बहुत दिमाग वाला है मैं तू। मैंने उस दिन आदमी के बारे में बताया था ना, वो सारी कहानी सच है, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाएगा, मेरे पर्सनल खजाने में जाएगा। देसी दारू, चेन की चोरी, सिग्नल में हफ्ता वसूली, ऐसे छोटे मोटे चोरों को ही जानते हो तो उसी बात भेजे में। छोटे मोटे कामों में हाथ डाले बिना करोड़ों की डील करने वाला इंटेलिजेंट ऑफिसर से तुम्हारा पाला अभी तक नहीं पड़ा। उनमें से एक मैं हूँ, माणिक वासवंत। तुम सोने का अंडा देने वाले बत्तक हो। चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे अंडर ही काम करो, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन क्या करो, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। सो नो वे। सर, मैं कॉल करने ही वाला था सर, उतने में आप आ गए। एक्यूज्ड को अरेस्ट करके अमाउंट को अपने अंडर में ले लिया सर। अरे छोड़ो, मुंह बंद करो अपना। सर, ट्रेन से, हवाला से, फूल के मार्केट से, सब जगह से मारा हुआ पैसा आपके पास है, ये सर को पता चल चुका है। तुम जैसा सोच रहे हो माणिक वासवंत वैसा ईमानदार इंसान नहीं है। ये क्या कह रही हो? वो हर केस में क्रिमिनल को पकड़ने के बाद उसके सारे पैसे ले जाता है, उसके बाद एनकाउंटर के नाम पर उसका मर्डर कर देता है। जमालुद्दीन के केस के जरिए ही मुझे इस बारे में पता चला। तो फिर मेरा पैसा? तुम्हारा पैसा भी माणिक वासवंत के पास ही है। वो जमालुद्दीन के बेटे को खत्म करके सारा पैसा ले गया। उसने गवर्नमेंट को सरेंडर नहीं किया, उसने इंस्पेक्टर कुमार वेल को भी बेवकूफ बनाया। उसने एक ऐसी कहानी बनाई जिससे डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं चला। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताती तो तुम उसके घर जाकर चोरी कर लेते ना, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो सारे काम फिर से करो। शक्ति वो तुम्हें यूज करके मिनिस्टर का सारा पैसा उठाने का प्लान बना रहा था। तो उस माणिक वासवंत ने मुझे भी क्रिमिनली बना दिया। मैं एक पेशेंट हूँ और बुद्धू भी हूँ, उसका अभी क्या करता हूँ देखना। या 500 करोड़ चाहिए, एक डील करेंगे। मैं जहाँ कहता हूँ जगह पर आ जाओगे तो तुम्हें 500 करोड़ मिलेंगे, और वो पैसे लेकर मुझे छोड़ देना। और तुम्हें मिलने वाले 500 करोड़ ही नहीं, तुम्हारे बेटे को मारने वाला वो माणिक वासवंत भी वहाँ अकेले मिलेगा। सोच लेना इस बात का। पैसों के लिए जमालुद्दीन को जो आपने शूट किया था ना, वो कमिश्नर साहब पूरा लाइव देख रहे थे। सर, अपने मैसूर डिवीजन में छपा हुआ पैसा इसी में है सर। माणिक वासवंत ने जैसा कहा था उस जगह पर मैं पैसों को गाड़ी से ला रहा था। उस गाड़ी में रखे सारे पैसों को मैंने एक साथ रख दिया, और सिर्फ वही एक बहुत बड़ा प्रूफ मेरे हाथ लग गया। सर, इसमें कोई शक नहीं है, यह मैसूर डिवीजन में छपा हुआ नोट है। ए, तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था मैंने, तुम कितने बदनाम आदमी निकले। पब्लिक के सामने अपना अच्छा नाम करना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट के लोग कितना तकलीफ झेल रहे हैं। अगर ये बात बाहर पता चली तो पुलिस वाले पिक पॉकेट केस को भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकते।
अमाउंट सीज करके जो रखा है वो मीडिया वालों को पता चल चुका है। डू वन थिंग, अपने पास पहले से ही दो कस्टडी में है, उनमें से एक अक्यूज्ड है, ऐसा ले जाकर मीडिया वालों को तुम बताओ। माणिक वासवन के बारे में कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। यू गॉट इट? यस सर। नाउ अरेस्ट हिम। वो आरबीआई अमाउंट रॉबरी से भी पहले ऐसे कई रॉबरी केस चेन्नई में हुए हैं। उनमें जो शामिल है उन चोरों को पकड़ने के लिए अलग से टीम बनाकर चारों तरफ फैलकर महीनों तक ढूंढा है, पुलिस डिपार्टमेंट को एक्टिव किया। ऐसे इन्वॉल्वमेंट से हमने सारे पैसे निकाले और चोर को भी पकड़ लिया। इसमें हाइलाइट्स की बात यह है कि हमने इस केस को वाइटल इन्फॉर्मेशन देने वाले दो लोग शक्ति और दिया, हम उन दोनों को डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। कुमार, यू डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। सर, जॉब तो डन हो गया है, लेकिन इन पैसों का क्या करना है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, अपने गांव के किसानों के अकाउंट में हर किसी को 15 लाख डाल देते हैं तो वो अपना उधार भी चुका देंगे। वो क्या 15 लाख? अगर वो सारा पैसा उनके अकाउंट में डाल देंगे तो काम हो जाएगा ना। ए शक्ति, तूने कितनी परेशानी उठाई यार, अब वो सब खत्म करके एक नई जिंदगी मिली है। स्टार्ट ए न्यू लाइफ। थैंक्स यार। ए, टेक केयर, बाय। के जा। या श्योर। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी। हम दोनों को मिलाने में जगन का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता। करोड़ रुपया लेकर भागने वाले से 10 करोड़ रुपया निकालना है। वो कैसे निकालेंगे और ये कैसे होगा, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग क्या क्या प्लान बनाओगे, यही है आज का टॉपिक। प्लान बनाओ और मुझे बताओ, और आपको मिलेगा 10 करोड़ रुपया। तो फिर देर मत कीजिएगा, शुरू हो जाइए। ये खेल बहुत ही दिलचस्प है, अगर आप खेलोगे तो आप करोड़ हो जाओगे। या फाइन, सीट बेल्ट बांध लो।